तो दोस्तों अभी समय जैसा कि मैं बता दूं अभी समय कंपनी में ही मौजूद है, इन सर से बातचीत करते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्किंग पे। क्या नाम है सर आपका? जसमीत सिंह। जसमीत कहाँ के रहने वाले हो सर? दिल्ली। दिल्ली के रहने? कितनी एज है आपकी? 19। 19। क्या क्वालिफिकेशन है? बीए कर रहा हूँ अभी। बीए कर रहा है, मतलब कर रहे हो? कर रहा हूँ, परसिंग में चल रही है। अच्छा, अभी किस कंपनी में काम कर रहे हो सर? अभी तो मैं SV एंटरप्राइजेस में वर्किंग हूँ। अच्छा, तो क्या काम करना पड़ता है सर यहाँ पे? क्रेडिट कार्ड बैंकिंग प्रोसेस है सारा यहाँ पे। क्रेडिट कार्ड की सेलिंग करनी होती है एंड कस्टमर को कन्वेंस करना होता है, मतलब एक तरीके से कि हमारा प्रोडक्ट ले लो। अच्छा। और हमारे पास अलग अलग बैंक्स है, ये भी नहीं कि एक सिंगल बैंक है, हमारे पे मतलब मल्टीपल बैंक्स दे रखे हैं कंपनी ने हमको कि जैसे एक कस्टमर पे इस ये कार्ड है तो हम उसको दूसरा बैंक भी प्रेफर कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है कंपनी का कि हमारे पे मल्टीपल बैंक्स है और बाकी हमारी कन्वेंसिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कस्टमर को किस तरीके से मना सकते हैं, उसको कितने हम बेनिफिट बता सकते हैं कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट यूज़ करे। अच्छा अच्छा, एक चीज़ लोगों को ये क्वेश्चंस है माइंड में, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कॉल सेंटर में एज ए BPO में काम करना नहीं चाहिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग उन लोगों को होती है जैसे जिनको डर लगता है कि उनसे नहीं हो पाएगा। गुड गुड गुड, ये देखो जिनको डर लगता है, जिनको खुद पर भरोसा नहीं है, वो कॉल सेंटरों से भागते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि लाइक जैसे कुछ लोग कहते हैं टारगेट्स है कंपनी में, देखो टारगेट्स तो मैं साफ बताता हूँ कि हर कंपनी में होते हैं। कोई भी ऐसा बॉस नहीं है कि विदाउट टारगेट सैलरी दे दे, रिलीज़ कर दे। और टारगेट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मतलब एक तरीके से बोला जाता है, प्रेशराइज तो बिल्कुल भी नहीं है इस कंपनी में कि रोज़ कितने केस दो, इतनी KYC चाहिए। पर डे के हिसाब से अब हम 8 घंटे भी वर्किंग में हैं तो हम एक केस तो दे ही सकते हैं आराम से। अब हम एक केस भी ना दे पाए तो फिर तो बेकार है। और कभी कभार दिन होता है हम जीरो पे भी जाते हैं, मगर कंपनी से ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि जिस दिन हम जीरो पे जाए तो हम उस दिन ज़्यादा सुनाती हैं। नॉर्मल बिहेवियर होता है उस दिन भी, जैसे रेगुलर डेज में होता है। और बाकी लोग आते हैं तो उन्हें ये इशू रहता है कि सर हमारी थोड़ा टारगेट है, ये है, हमसे पूरा नहीं हो पाएगा। तो जितना भी टारगेट होता है पर डे के हिसाब से अगर हम एक भी करेंगे तब भी टारगेट अचीव हो जाता है आराम से। बाकी वो डरते हैं कि उनसे नहीं हो पाएगा और थोड़ा टारगेट होता है, नेगेटिव चीज़ें होती है दिमाग में, डर जाते हैं तो चले जाते हैं। यार बहुत अच्छा इंटरव्यू दे रहे हो यार, नाम बताया था आपने? जसमीत। जसमीत यार अच्छा इंटरव्यू, वीडियो लॉन्ग बनाऊंगा यार मैं तो। अच्छा एक बात बताओ आप यहाँ पे कितने टाइम से वर्किंग कर रहे हो? मेरे को 5 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। 5 मंथ? हाँ जी। अगर हम बात, अच्छा लग गया, 6 लग गया। अगर हम बात करें कितने घंटे वर्क करना होता है आपको यहाँ पे? मैं 8 आवर्स वर्किंग करता हूँ। वो भी मैं रेगुलर नहीं करता, मतलब मैं बीच बीच में ब्रेक लेता रहता हूँ। अच्छा, ब्रेक ले लेके करता रहता हूँ। कोई मतलब बताया ना कि इतना मतलब प्रेशर नहीं है कि बार बार कोई आ रहा है देख रहा है ना, यहाँ पे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना वर्क करो। शाम को अपना जितना तुम्हारा काम हुआ उस हिसाब से ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। कभी बार डेज होता है मैं खुद भी जीरो पर चला जाता हूँ। हाँ, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं जीरो पर जाता हूँ, मगर ये भी नहीं है कि मैं रोज़ जीरो पर जाता हूँ, एक दो दे जाता हूँ। और एक दो करते करते महीने में जब उसका टोटल निकलता है तो 27-28 डेज के हिसाब से निकल जाता है, टारगेट आराम से अचीव हो जाता है। हाँ जी। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी सैलरी डिडक्ट हुआ? नहीं, सैलरी तो डिडक्ट नहीं हुई है। बाकी जो देखिए छुट्टी वगैरह वो तो कटती है। अब जैसे मेरी छुट्टी कटती है, बाकी मेरा ऐसा तो है नहीं कि जैसा अगर मैं टारगेट अचीव नहीं कर पाया ये वो, तो मैं उस हिसाब से मेरे पैसे नहीं कटते। अच्छा, अगर मैं छुट्टी कर दूँ इनके, जैसे मैंने पिछले मंथ भी मैंने 10 छुट्टियाँ करी, 15 छुट्टियाँ, तो मेरे उनके पैसे कटेंगे यार। वो तो कटेगा ही ना। हाँ वो तो कटेगा, आओगे नहीं, अटेंडेंस ही नहीं रहेगा, वो तो कंपनी पैसा काटेगी ना। वो तो कटेगा। बाकी कुछ लोगों को इशू होता है कि हमारा टारगेट अचीव नहीं होता सैलरी डिडक्ट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्किंग आवर्स के टाइम के पैसे मिलते हैं और प्रेजेंट होने के भी पैसे मिलते हैं, है ना। अगर हम कितने तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी आती है सर? मेरे अकाउंट में 15 को आ जाती है। कैश मिलता है या फिर बैंक में? NFT बैंक में होता है। बैंक में? हाँ जी, बैंक में अकाउंट में सैलरी आती है। 8 घंटे वर्क करना होता है ना यहाँ पे? हाँ जी, 8 घंटे वर्किंग है, सुबह 10 से 6:30। 10 से 6:30। हाँ जी। कितनी सैलरी कितनी मिलती थी आपको? सैलरी सर मेरी 12 है अभी तो, बाकी आगे देखो काम के हिसाब से क्या पता बढ़ भी जाए। सब बढ़ेगा वो तो। बाकी यहाँ पे एक वो नहीं है कि हम 12 ही ले सकते हैं, उठाने को हम 20 भी उठा सकते हैं, 30 भी उठा सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि 12 भी, आप जितना मर्जी काम करोगे तो 12 ही मिलेगी। वो तो इंसेंटिव के ऊपर है कि हम कितने केस दे सकते हैं। जैसे हमें 20 बोला है तो अगर हम 40 भी देते हैं, 50 भी देते हैं, तो उस हिसाब से हमें सैलरी मिलेगी इंसेंटिव पर कार्ड पर। और हम बनाने को 17 भी बन सकती है, 18 ही बन सकती है। अब नहीं बन पाती तो फिर नॉर्मल 12 ही मिलती है, जो हमारी इंटरव्यू पे बात हुई थी। 12 तो? हाँ जी, हाँ जी 12 मिल जाती है। यहाँ के ऑनर कैसे हैं? यहाँ के जो मालिक हैं ऑनर बढ़िया है, ऑनर में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनर एकदम मस्त बंदे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑनर एकदम सही है। हाँ जी, ऑनर यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा है बात करने का तरीका, लहजा। ऐसा वो खुद को ऑनर नहीं समझते, अच्छे मालिक हैं। हमने भी उनसे बातचीत किया, लाइव इंटरव्यू लिया और इस समय हम मौजूद हैं जैसा कि इनके साथ में मौजूद है। अच्छा एक बात, किस तरीके से आप सेल करते हो, कन्विंसिंग कन्विंस कैसे करते हो?
लाइक वैसे तो जैसे कस्टमर को हम कॉल करते हैं तो कस्टमर तो सामने से तो एनोई होता है कि मुझे नहीं चाहिए प्रोडक्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको बताते हैं कि सर देखिए लाइफ टाइम फ्री है हमारा प्रोडक्ट, सारे बैंक्स के कार्ड है लाइफ टाइम फ्री, तो कस्टमर कहता है मुझे तब भी नहीं चाहिए। देन सेकंड हम उसको उसके बेनिफिट बताते हैं कि सर ये बेनिफिट है हमारे कार्ड्स में जो आपके अदर कार्ड्स में नहीं होंगे, ठीक है, तो कस्टमर थोड़ा सुनता है बेनिफिट्स को, फिर वो सोचता है। अगर तब भी कस्टमर नहीं मानता कि मेरे को नहीं चाहिए तो हम उससे एक सवाल पूछते हैं कि सर आप एक नुकसान बता दीजिए हमारे कार्ड का क्या है, तो कस्टमर सोच में पड़ जाता है कि अब मैं नुकसान क्या बताऊँ। मैंने कहा सर आप कार्ड मत लीजिए, आप एक नुकसान मुझे बता दीजिए कि मेरी चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ तो ये नुकसान हो रहा है आपको इससे, तो आप मत लीजिए, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो देखिए ऐसा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है लाइफ टाइम फ्री है, तो कस्टमर को लगता है, मैं कस्टमर को ये कहते हैं हम कि सर आप हमारा प्रोडक्ट ले लीजिए कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। अब ऑफर्स आते रहते हैं लाइक जैसे येस बैंक का आप पे कार्ड है, ठीक है, अब येस बैंक से आपको कोई फ़ोन लेना है लोन पे या फाइनेंस कराना है जो भी है, तो वो ऑफ़र येस बैंक के कार्ड में है और कस्टमर चला रहा है इंडस का कार्ड, उस पर ऑफ़र नहीं है तो वो ऑफ़र नहीं ले पाएगा। हम उसको ऐसे कहते हैं कि सर आप ये ऑफ़र उस टाइम ले तो पाओगे और आपको क्रेडिट लिमिट ही मिल रही है बैंक की साइड से, आपका सिविल वगैरह भी अच्छा चल रहा है, इनकेस अगर कभी रिजेक्शन आ जाती है तो दूसरा बैंक भी चीज देने में डरता है, तो डेट्स व्हाई फिर कस्टमर मान जाता है। और बाकी जो कस्टमर नहीं मानते, जिन्होंने एक बार बोलते हैं नहीं लेना, तो हम उनको जितना मर्जी कन्वेंस कर ले वो मानते ही नहीं है, वो साफ कॉल कट कर देते हैं। और कस्टमर जो एक मिनट से ज़्यादा बात कर ले वो बनवाने के उसके चांसेस हैं, तो कस्टमर को 2 सेकंड लगता है कॉल काटने में, वो सुनते भी नहीं है। इतनी पर डे कितने कॉल करनी होती है? पर डे ऐसा कुछ भी टारगेट नहीं है, कितनी मर्जी कॉल करो, कॉल कर लो बस, तुम चाहे 60 भी करो, 120 करो, 180 करो, वो तुम्हारे ऊपर है। बस शाम को ये होना चाहिए कि एक आधा केस निकल जाए। अगर 60, 80 या 100 कॉल्स करते हैं हम भाई, तो यार वो तो आराम से उसमें से निकल जाएगा। हाँ निकल जाते हैं, पर डे 2 भी निकल जाते, 3 वो निकल गया तो भाई आपका इंसेंटिव बन गया। हाँ जी, और यहाँ पे डेली गेम्स भी होती हैं, मतलब जैसे अभी स्टाफ वगैरह आएगा तो गेम्स वगैरह भी सर खिलवाते हैं हमारे जो ओनर हैं, जैसे सबके आगे चैलेंज रखते हैं कि जिस बंदे ने 3 KYC दे दी तो उसको 100 रुपये इंसेंटिव मिलेगा, और मैं बहुत बार ले चुका हूँ 100 रुपये इंसेंटिव। हाँ जी, 3 KYC दे के मैंने बहुत बार लिया, और मैं 4 भी दे देता हूँ पर डे में, और कभी कभार 2 भी आती है, कभी 1 भी, और कभी 0 पे भी। 0 भी। अब लाइक कल मैं 0 पे गया था, अभी मेरे पे आर्स बचे हैं, अब देखो क्या होता है आगे, अब देखते हैं। बहुत बढ़िया इंटरव्यू दे रहे हो यार, सही बता रहा हूँ, ये जो आप बता रहे हो ना ये बंदों को समझ में आ गया चीज़ है, जो बंदे आने वाले हैं ना आओ यार। एक बात बता, दूसरी चीज़ देखो ये है कि यहाँ काम करने से ना आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स के जो डिफरेंट आएगा बहुत ज़्यादा आएगा, सीखने को मिलेगा, लर्निंग पॉइंट। अभी आप लर्निंग करोगे तब बाद में अर्निंग कर सकोगे। जैसा ये हमारे भाई साहब है, लिख के ले लो अभी मुझसे कि इनकी 12,000 सैलरी है भाई साहब, यहाँ 6 महीने इन्होंने कर दिया, 1 साल कर दिया ना, यही कंपनी इनको TL बनाएगी। सही बात है। और यही कंपनी का प्रमोशन करेगी। सही बात है। ये मुझसे लिख के ले लो, क्योंकि भाई साहब इस कंपनी में ये काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बेस्ट बन जाएगी इनकी, तो कंपनी कहेगा ना भाई अगर मैं किसी और बंदी को हायर करूँगा उसको सिखाऊंगा, नई कंपनी उसके लिए नया कंपनी रहेगा, नया इन्वायरमेंट रहेगा, और इनको अगर मैं 10,000 एक्स्ट्रा दे दूंगा इनको तो पता है ये तो काम भी चुटकी में निकाल के देंगे। सही बात है। तो ये चीज़ है भाई साहब, आप पैसे के पीछे मत जाओ कि हमें 12,000 मिल रही है या 14,000 मिल रही है या 15,000 मिल रहा है, आप ये इस पर फोकस करो हमें सीखने को कितना मिल रहा है। हाँ जी, एंड पैसा बनाना आना चाहिए सबसे मेन बात है। कोई फिक्स सैलरी नहीं है कि तुम्हें 12 पे रखा तो 12 ही है, पैसा बनाओ तुम 20 भी उठा सकते हो यहाँ पे आराम से, वो आपके ऊपर है कि अब कितने केस देते हो पर डे के। अगर आप 2 केस भी दोगे तो टोटल हम मंथ की राउंड फिगर करते हो तो 54 होते हैं, बाकी संडे टाके भी, तो 54 के 17,400 रुपये आराम से मिलते हैं, है ना, जो बंदों ने उठा रखे हैं मेरे से पहले भी जो काम करते थे यहाँ पे, अब वो नहीं है, मगर वो HDFC बैंक की 110 फाइलें देते थे, मेरे को सर ने खुद दिखा रखा है, तो उन्होंने 17,000, 18,000, 16,000 उठा रखा है। कोई ऐसा वो नहीं है कि तुम चाहे 50 केस 260 केस हो तुम्हें 12 ही मिलेगा, वो बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपना प्रमोशन कहाँ तक लेके जा सकते हो। जितना मेहनत करोगे पोस्ट एज अ मैनेजर पोस्ट, वो तुम्हारे ऊपर है तुम कहाँ तक लेके जा सकते हो अपने आप को। जितना मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा, सीधी सी बात है ना। सबसे मेहनत करो, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। अभी आप लर्निंग पावर, अभी आपकी लर्निंग चल रही है, सैलरी कम मिलेगा, लेकिन जब यही आप लर्निंग आपकी बढ़ जाएगी, सीख जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी सर। हाँ, एंड सबसे बढ़िया बात है कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा बढ़िया होती है कस्टमर से, बाकी भी लोगों से थोड़ा कम्युनिकेशन भी अच्छा हो जाता है इससे, कॉलिंग प्रोसेस से। हाँ, एक होता है ना कि सर हम सीव कम्युनिकेशन से या यस कम्युनिकेशन या किसी व्हाटएवर किसी भी कंपनी से बात कर रहे हैं, सर हम कार्ड बेचना चाहते हैं, ये अलग चीज़ हो गया। और जैसा सर बात करते हैं, कैसे बात करते हैं? सर मैं येस बैंक के बिहाफ से बात कर रहा हूँ। येस बैंक में सर आपका लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूवल आ रखा है। देन कस्टमर कहता है मैं नहीं मानता, मतलब कोई अनोए कस्टमर्स होते हैं, तो
तो हम उनको उनकी डिटेल्स बता देते हैं थोड़ी बहुत, जैसे कस्टमर को विश्वास हो जाए कि हम सही जगह से कॉल आई हुई है, कोई फ्रॉड टाइप कॉल नहीं है। तब उनको अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करा देते हैं, पैन नंबर करा देते हैं। इनकेस कभी डाटा में पैन नंबर नहीं आता है तो हमें कस्टमर से लेना पड़ता है, एंड कस्टमर दे भी देता है। और ऐसी बात नहीं है कस्टमर पैन नंबर, क्योंकि पैन नंबर एक क्रिटिकल थिंग है हर चीज़ की, वो हर कोई ऐसे देता नहीं है, बाकी दे देते हैं। और उनको जब एक सही जगह से कॉल आई होती है, सबसे बेस्ट थिंग है हमारी पिच, कि हम कस्टमर को किस तरीके से बात कर रहे हैं। अगर हम बीच में अटक गए या हमने सोच में पड़ गए तो कस्टमर को वहीं पर शक हो जाता है, ये गलत जगह से फ़ोन आया हुआ है, मैं अपनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। एंड देन हम वहाँ को, वहाँ पे हम वैसे बात करते हैं कि सर हम पैसा बाजार से बात कर रहे हैं, पैसा बाजार बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे एक एक कस्टमर का सब कुछ होता है, डिटेल्स वगैरह सब कुछ। देन कस्टमर बिलीव कर लेता है, देन वो अपनी डिटेल भी दे देता है, देन हम उसका प्रोसेस कर देते हैं। अगर कार्ड आना होता है तो आ जाता है, नहीं तो कस्टमर डिक्लाइन हो जाता है। हाँ जी यार, सर से बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे सिस्टम पे हमारे भाई ये काम करता है, सिस्टम थोड़ा दिखाना इधर से, अरे सिस्टम पे ही काम करना होता है ना। हाँ जी सिस्टम पे। थोड़ी बात तो ये है कि ये प्रोफेशनल जॉब है, ऑफिशियल जॉब। हाँ जी हाँ जी, कोई लेबर वाला काम नहीं कि आपको लेबर वाला काम करना है, लेबर वाला काम बिल्कुल नहीं करना। नहीं नहीं सर, आपको इसी तरीके से इन्वायरमेंट में बैठ के आपको काम करना है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। बस हमारी यही पहल है, जो हमारे भाई बेरोजगार है उनको जॉब दे। अच्छा ये जॉब फ्री ऑफ कॉस्ट थी ना? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा कुछ? नो 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 सिक्योरिटी। तो जो भी हमारे भाई आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, यहाँ पे जॉब उनको दिया जाएगा निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा कि इन्वायरमेंट मैंने आपको दिखा दिया और सर से हमने बातचीत भी कर लिया और यहाँ से फीडबैक जो निकल कर काफ़ी बेस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आज के हमारे वीडियो आपको काफ़ी पसंद है, वीडियो पसंद है एक लाइक के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।